हे दोस्तों, आज मैं आपको एक वॉल पेंटिंग बना के दिखाऊंगा। ये जो मेरे पीछे अभी जो घर दिख रहा है आपको, ये एक होम स्टे है दार्जिलिंग का। इसी घर के अंदर वॉल है, तो उसी दो वॉल पर मैं एक्रेलिक पेंट से पेंटिंग करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा बात बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे लाइट बहुत ही लो है घर के अंदर, क्योंकि बाहर देखिए पूरा दिन बहुत ही जोर से बारिश हो रहा है, ठीक है, और मौसम बहुत ही अंधेरा है। घर के अंदर बहुत ही लो लाइट है, तो इसीलिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना और वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलिए पेंटिंग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये जो वॉल है, इस वॉल पर मैं दो बार्ड का पेंटिंग बनाकर दिखाऊंगा, ठीक है। इस बार्ड का नाम है हॉर्नबिल बार्ड, रूफोस नेकेड हॉर्नबिल, ठीक है। ये जो बार्ड है, ये बार्ड इस इलाके में बहुत सारा मिलता है, तो इसीलिए इस होमस्टे का जो ओनर है, उन्होंने अपने होमस्टे के वॉल पर मुझे इसी बार्ड का एक पेंटिंग बनाने के लिए बोला है। तो इसीलिए आज मैं इसी वॉल पे एक्रेलिक पेंट से दो हॉर्नबिल, मेल और फीमेल, ये दोनों हॉर्नबिल का एक पेंटिंग बना के दिखाऊंगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैंने जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड पर मैंने पूरा स्काई ब्लू पेंट कर दिया है, ठीक है। और उसके बाद जहाँ पे हॉर्नबिल को पेंट करूँगा, वहाँ पे मैंने वाइट कलर लगा दिया है, ठीक है। एंड जो फीमेल हॉर्नबिल है, उसका कलर ब्लैक होता है, तो इसलिए मैंने वहाँ पे डायरेक्ट ब्लैक कलर दे दिया, क्योंकि ब्लैक कलर देने के लिए आपको पहले वाइट कलर देने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो मेल हॉर्नबिल होता है, उसका कलर आधा ब्राउन आधा ब्लैक और पूंछ के साइड पर थोड़ा सा वाइट होता है, ठीक है। और जो फीमेल हॉर्नबिल होता है, उसका कलर पूरा ही ब्लैक होता है, लेकिन सिर्फ पूंछ के साइड में थोड़ा सा वाइट होता है, ठीक है। तो मैं अपने फ़ोन पर एक फ़ोटो डाउनलोड कर लिया है इस हॉर्नबिल का, उसको देख के मैं इस पेंटिंग को बना रहा हूँ। वैसे मैं इस हॉर्नबिल को रियल में भी देख चुका हूँ, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है ये बर्ड। तो आप अगर इस बार्ड को रियल में देखना चाहते हैं, तो आपको आना होगा इस होमस्टे में। इस होमस्टे का एड्रेस और डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूंगा, तो आप वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं और आप यहां पे आ सकते हैं। यहां पे आके सिर्फ आपको ये हॉर्नबिल बर्ड ही नहीं, बल्कि खूबसूरत नेचर और लैंडस्केप देखने को मिलेगा। तो इसीलिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको यहाँ पे आने के लिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएगा। तो दोस्तों, चलिए अब मैं स्टेप बाय स्टेप इस हॉर्नबिल बर्ड का पेंटिंग को बनाता हूँ, और आप भी इस वीडियो को लास्ट तक देखिए कि एंड में ये पेंटिंग कैसा होता है। और उसके बाद प्लीज़ आप एक कमेंट कीजिए कि आपको ये पेंटिंग कैसे लगा, और वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिए, ठीक है। सो चलिए अब मैं इस पेंटिंग को स्टेप बाय स्टेप बनाता हूँ।
दोस्तों कैसे लगा आप लोगों को आज की ये पेंटिंग, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और लाइट बहुत ही लो है इसलिए मैं पहले ही आपसे माफ़ी मांग लिया। तो जो भी हो पेंटिंग कैसे लगा ये आप मुझे बताइए और वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट पेंटिंग वीडियो में।